दोस्तों क्या आरसीबी और सीएसके के स्टार्टिंग मैच में विराट कोहली और अचिन रविंद्र के बीच में एक बड़ा कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं क्रिको आकाश, क्योंकि ऐसे कई सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं जिसको कई लोग पसंद कर रहे हैं और कई लोग नापसंद कर रहे हैं। दोस्तों सातवें ओवर में करण शर्मा गेंदबाजी करते हैं और अचिन रविंद्र उन्हें छक्का मार देते हैं और अगली बॉल पर ये कैच आउट हो जाते हैं और इसी कैच आउट के बाद विराट कोहली का एक एग्रेसिव चेहरा नजर आता है और इसी वीडियो को लेकर कई लोग विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों विराट कोहली लगभग दो मंथ के बाद फिर से मैदान पर नजर आए हैं और 2008 के बाद सीएसके ने चेपॉक के मैदान पर आरसीबी को जीतने नहीं दिया है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आरसीबी वालों ने टॉस जीतकर बैटिंग क्यों चुना, क्योंकि अगर आप सीएसके और आरसीबी की राइवलरी को देखोगे तो 8 से लेकर अब तक सीएसके और आरसीबी के बीच लगभग 31 मैचेस खेला गया है जिसमें से 20 मैचों को सीएसके ने जीता है और 10 मैचों को आरसीबी ने। और अगर आप सारे रिकॉर्ड देखोगे तो ज्यादातर आरसीबी ने टॉस जीतकर बैटिंग ही लिया है, इसके बावजूद भी इन्हें ज्यादातर मैचों में लॉस ही देखने को मिला है और कल के मैच में भी यही हुआ। सीवर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। डुप्लेसिस ने शानदार शुरुआत की मगर उनको आउट होने के बाद आरसीबी की पारी थोड़ी लड़खड़ाई। आरसीबी के फैंस को विराट कोहली, कैमरन गिन और मैक्सवेल से काफी उम्मीद थी। मैक्सवेल की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस और वर्ल्ड कप के बाद T20 की परफॉर्मेंस देखते हुए चीज साफ थी कि अकेले मैक्सवेल पूरे चेन्नई की टीम पर भारी थे। वहीं कैमरन ग्रीन आरसीबी ने 17 करोड़ देकर मुंबई के साथ ट्रेड किया था जो कि मुंबई से खेला करते थे तो शानदार प्रदर्शन करते थे और अपने दम पर मुंबई को कई सारे मैच जीता है, पर उन्होंने भी कल के मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। कि टीम की एक खास बात है कि टीम किसी न किसी प्लेयर को उनके पीक तक पहुंचा देती है और इस बात शायद वो खिलाड़ी मुस्तफिल रहमान होने वाले हैं। मुस्तफिल रहमान ने कल के मैच में आरसीबी के 4 विकेट लिए। विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस और कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार का विकेट लेकर आरसीबी की टीम को तितर बितर कर दिया, पर दिनेश कार्तिक और अर्जुन रावत की परफॉर्मेंस ने आरसीबी को एक अच्छा रन स्कोर तक पहुंचा दिया। दिनेश कार्तिक ने 146 के स्ट्राइक रेट से और अर्जुन रावत ने 192 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया, आरसीबी को 176 रन के एक अच्छे स्कोर पर पहुंचा दिया। वहीं जब चेन्नई की टीम बैटिंग करने आई तो चेन्नई के बैट्समैन ने मात्र 18.3 बॉलों में मैच को अपने नाम कर लिया। इस मैच में चेन्नई की बैटिंग लाइनअप देखने लायक थी। भाई साहब क्या रन बनाए चेन्नई वालों ने। इस मैच में ऐसा लगा मानो 2024 का ट्रॉफी भी इन्हीं का है। अचिन रविंद्र ने 246 के स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाया और वहीं आप सीएसके के जितने भी बैट्समैन को देखे हो तो सभी का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर का ही रहा है। इस बार की आरसीबी की टीम से फैंस की उम्मीद काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। 17 साल होने को और ट्रॉफी अभी तक नहीं आई है। फैंस को यह उम्मीद था कि आरसीबी की टीम फर्स्ट मैच में कमाल का परफॉर्मेंस करेगी और टीम को एक अच्छी शुरुआत देगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। पर अभी तो आईपीएल की शुरुआत ही हुई है, अभी आने वाले कई मैचेस बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आरसीबी आगे अच्छा परफॉर्म करे। और रही बात विराट कोहली और अचिन रविंद्र की कंट्रोवर्सी की, तो कोहली को आउट करने में अचिन रविंद्र का एक बड़ा हाथ था, क्योंकि रहाणे और अचिन रविंद्र ने मिलकर विराट कोहली का जबरदस्त कैच पकड़ा था। उस समय विराट कोहली ने 20 बॉल पर 21 रन पर खेल रहे थे। शायद इसी बात पर गुस्सा होकर विराट ने उन्हें गाली दे दी। विराट कोहली हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, तो कभी किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ा है कि उनके सामने कौन है। वो अपोनेंट को अपोनेंट ही समझते हैं, चाहे वो उनसे छोटा हो या बड़ा, ये मानना है फैंस का। खैर विराट ने इस मैच में 12+ रन बनाकर इतिहास रच दिया है। ये दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं कि 12+ रन T20 फॉर्मेट में बनाए हैं। दोस्तों इन सब के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।